वालेकुम सलाम बेटा जी। मैंने आज खाने में ऐसा क्या खाया था कि मुझे डबल डबल दिख रहा है? नहीं तो है ही दो सर। आप कौन हो बच्चों? एक अंकल मैं लिंकू हूँ। ये लिंकू है। मिनट एक मिनट, तुम रिंकू हो और तुम मिंकू हो अरे बचाया ना, मैं लिंकू हूँ, ये मिंकू है। सर अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने आए हो? एक्चुअली नब्बू के अंकल, नब्बू ना हमें स्कूल में रोज परेशान करता है। एक मिनट, वो तुम्हें तंग करता है कि तुम्हें तंग करता है? मुझे कल्चर है, इसका पता अरे नहीं। यार मुझे बताओ तुम्हारा रिमोट किसके पास है, मतलब तुम्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? इतनी कोऑर्डिनेशन कैसे है तुम दोनों की? अरे अंकल आप हमारी टेंशन छोड़े और नब्बू को कंट्रोल करें प्लीज। आजकल के बच्चे तो एक आगे है, मैं समझा दूंगा। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मुबारक। वालेकुम सलाम नब्बू बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बेटा जी एक बात है, ईद पे कुछ आए ना है, कहीं से गोश्त आए ना है, तुम जरूर आ जाते हो ईदी लेने। और बेटा जी मुझे ना आजकल तुम्हारे स्कूल से शिकायतें भी आ रही हैं कि तुम दूसरे बच्चों को बड़ा परेशान कर रहे हो, बड़ा तंग कर रहे हो। खैर बात आ जाओ अपनी हरकतों से, नहीं तो ईद वाले दिन कुटना खा लेना मुझसे। और ईद से याद आया तुम्हारी ईदी भी देनी है। ईदी मैं तुम्हें दे देता हूँ यार, नया नोट ले लो तुम, ये लो ठीक है। अरे वाह अंकल जी, इस बार तो आपने खुद ही आराम से ईदी दे दी, नहीं तो मुझे ईदी के लिए इतने ड्रामे करने पड़ते हैं। ओ बेटा जी दरअसल बात ये है कि हर चीज पे तो टैक्स लगी जा रहा है, तो कुर्बानी तो हम कर नहीं सके हैं, तो मैंने कहा तुम्हें ईदी दे दूं, तुम तो खुश रहो। अरे वो टैक्स याद आया, ईडी पे भी 20% टैक्स लग गया, तो 5,000 रुपए पे आपका 800 टैक्स बनेगा। और रिंकू मिंकू कैसा तुम दोनों? मैं ठीक हूँ, इसका पता नहीं। अब मुझे ये बात बताओ नब्बू तुम लोगों को स्कूल में ज्यादा तंग तो नहीं करता? अरे नहीं अंकल, अब तो बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि हमारी दोस्ती भी हो गई है। अभी तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। और किससे दोस्ती हुई उसकी, तुमसे क्या तुमसे? मुझसे हो गई, इसका पता नहीं। और आपको पता है ये लोग कहा कि आपने इसको ईडी दी है, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे ईडी ले आऊं। अब तो इसके दिल में तो बात ही नहीं रखती है, तो इसका मतलब तुम दोनों को ईदी चाहिए जी। पहले किसको ईदी चाहिए, रिंकू को या मिंकू को? मुझे। और ये तो बताओ तुम दोनों में से रिंकू मिंकू कौन है? अरे अंकल ना, मैं रिंकू हूँ या मिंकू है? अब तुम दोनों खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं किसको ईदी दूँ? तुम लोग पहले कंफर्म करो कौन मिंकू है कौन मिंकू है, फिर ईदी ले लो।